हेलो गाइस, तो आज है संडे और संडे के दिन हम लेकर के आते हैं आस्क एमके का एपिसोड। तो हमेशा की तरह आज भी हम लेकर के हाजिर हैं आस्क एमके का 20th एपिसोड। 20 एपिसोड हो गए मजे मजे में, पता ही लगा कि टाइम कैसे बीतता जा रहा है। 20 संडे हम इस एपिसोड के साथ में क्रॉस कर चुके हैं। तो आज की वीडियो में भी मैं आपको ये आस्क एमके का एपिसोड देने वाला हूँ। यहाँ पर जो आपके क्वेश्चन हैं वो शामिल करने वाला हूँ ट्विटर और कम्युनिटी पोस्ट से। बट फिर भी उससे पहले मैं आपसे एक सलाह चाहता हूँ कि क्या हमें ये आस्क एमके का जो एपिसोड है इवनिंग में ही 8 बजे रहने देना चाहिए, या फिर हमें सुबह के टाइम पे 10, 11, 12, 2 बजे हम इसको रख सकते हैं। तो जितने भी लोग वीडियो देख रहे हैं वो नीचे प्लीज़ कमेंट जरूर करना कि सुबह का टाइम सही है या फिर आप 8 बजे ही इस एपिसोड को देखना पसंद करते हो। फिर मैं कोशिश करूँगा कि आपको 8 बजे शाम को कोई और अच्छी वीडियो दी जाए। इस वीडियो को शुरू करते हैं, उससे पहले थैंक यू आप सभी का कि आपने हमारे चैनल के सब्सक्राइबर्स को, हमारी फैमिली को 3400 तक पहुंचा दिया है। एंड थैंक यू वेरी मच, क्योंकि आप लोग ही हैं जो मेरे एक्टिव व्यूवर्स हैं, जो हमारे एक्टिव फैमिली मेम्बर्स हैं, उनकी वजह से ही वीडियोज़ आगे पहुँचती हैं। भले ही आप गिनती में बहुत कम हैं, लगभग 100-150 हैं जो एक्टिव व्यूवर्स हैं, लेकिन आप लोगों का जो इनिशियल बूस्ट मिलता है उसकी वजह से ही वीडियो आगे पहुँचती है और फिर उस पर 1000, 2000, 10000, 20000 और इवन 30000 तक व्यूज़ जो आते हैं वो सब आपकी इनिशियल मेहनत से ही आते हैं। चलिए बात करते हैं पहले क्वेश्चन की। तो पूछते हैं रिशु जी, पूछते हैं कि एल्विस एंड लक्ष्य चौधरी ने जो गौरव आसन पर स्कैम करने का आरोप लगाया वो सही किया? तो ये क्वेश्चन ट्विटर से है। अगर आप लोगों ने अभी तक ट्विटर पर फॉलो नहीं किया तो आपको यहाँ पर आईडी मिल जाएगी, आप वहाँ जाकर के हमें फॉलो कर सकते हैं। चलिए बात करते हैं वीडियो की और बात करते हैं यहाँ पर इस क्वेश्चन की। तो इस क्वेश्चन में बात यह है कि सही किया नहीं किया, ये उनके पर्सपेक्टिव वाली बात है कि वो क्या सोचते हैं। फिलहाल अगर मैं अपने नज़रिए से देखूँ तो देखा, क्लियरिटी होना एक अच्छी बात है, हिसाब में पारदर्शिता होनी चाहिए, कितना पैसा आया कितना गया वो एक अलग मैटर रखता है, वो होना ही चाहिए। तो एटलीस्ट इन लोगों ने शायद इसको दिखाने की कोशिश की कि भाई गौरव बासन भाई हमें दिखाओ कि कितना पैसा आया और हमने कितना दिया। बट यहाँ पर क्या केस थोड़ा उल्टा हो गया है, बाबा को भड़का दिया गया है अच्छे तरीके से और वहाँ पर केस वगैरह कर दिया, उन्होंने मैनेजर रख लिया है और बहुत कुछ उनके तेवर बदल गए हैं। तो वो एक गलत चीज़ है, वो नहीं होनी चाहिए थी फिलहाल। लेकिन जो भी उनका इंटेंशन रहा कि पारदर्शिता दिखानी है उसका, या फिर सिर्फ और सिर्फ उनको भड़काने का, तो फिर वो गलत है। इंटेंशन क्लियरिटी का था देन इट इज़ राइट, बट मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर इंटेंशन सिर्फ क्लियरिटी का था, यहाँ पर एक भड़काने वाली बात थी जो कि मेरे ख्याल से गलत है और मैं इसको गलत ही कहूँगा कि ऐसा शायद नहीं होना चाहिए था। इसके अलावा बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, जो हमारे कम्युनिटी पोस्ट से आए हैं और पूछते हैं यहाँ पर गणेश बरसागले जी, दो क्वेश्चन पूछे हैं इन्होंने। पहला पूछा है कि मैं अपने 8A12 में काइन मास्टर से वीडियो एडिट कर सकता हूँ क्या? दूसरा पूछा है कि मेरे फ़ोन का वाईफाई ख़राब हो गया है, कनेक्ट नहीं हो रहा। तो भाई या तो आपके फ़ोन की जो अपडेट्स हैं उसमें कोई प्रॉब्लम हो गई है वाईफाई में, अगर फिर भी नहीं कनेक्ट हो रहा तो फिर आपको तो कस्टमर केयर यानी कि सर्विस सेंटर पर जाना ही पड़ेगा, इसके अलावा तो कोई चारा इसका है नहीं। उसके बाद पूछते हैं यहाँ पर कि 8A12 की बात आती है, तो 8A12 में आप काइन मास्टर से एडिट कर पाओगे, कोई दिक्कत नहीं है। ये जो 8A12 मेरे पास है इसमें भी काइन मास्टर से वीडियो एडिट हो जाती है आराम से, तो बिना किसी दिक्कत के तो आप इसको भी यूज़ कर सकते हैं एडिटिंग में। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है यहाँ पर इंडियन रेल भाई मेहरदीप सिंह जी ने, बोलते हैं कि कुछ नहीं बस एक शार्ट आउट दे दो, बहुत जल्द होगा बनके। तो भाई को सब्सक्राइब करिएगा, अगर आपको ट्रेन की इन्फॉर्मेशन चाहिए, रेल की इन्फॉर्मेशन चाहिए तो बहुत हेल्पफुल कंटेंट आपको प्रोवाइड करते हैं। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, पूछा है नितिन मीणा जी ने, पूछते हैं कि भाई पहली पेमेंट कब तक आ सकती है आपकी देन पार्टी? तो भाई पहली पेमेंट आने वाली है, मेरे एडसेंस में $123 हो चुके हैं, यानी कि 12 तारीख को अपडेट हो जाएंगे और 22 तारीख को रिलीज़ हो जाएंगे, तो बहुत जल्दी पार्टी बन सकती है। इसके अलावा बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो पूछा है डेनवर गेमिंग जी ने, पूछते हैं कि वेयर डू यू लिव सर, प्लीज़ टेल मी बेस्ट फ़ोन अंडर 10K के। तो भाई मैं रहता हूँ यहाँ पर, वैसे तो मेरी मोस्टली जो वीडियोज़ वगैरह मैंने बनाई है वो मुरादाबाद आकर के बनाई है, बट फिलहाल मैं अपने घर आ चुका हूँ इस समय जो कि है बिजनौर में। और यहाँ पर बात आती है बेस्ट फ़ोन अंडर 10K की, तो इस समय बेस्ट फ़ोन अंडर 10K अगर आप तलाश रहे हैं तो रेडमी 9 प्राइम काफ़ी अच्छा ऑप्शन है, इसके अलावा मोटो का E7 प्लस भी काफ़ी अच्छा ऑप्शन है। बट आपको बहुत ही सस्ते में और बेस्ट फ़ोन चाहिए अंडर 10K, तो मेरे ख्याल से काफ़ी अच्छे परफॉर्मेंस आपको रियलमी नार्जो 20A प्रोवाइड करेगा, स्नैपड्रैगन 665 देगा आपको और काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस भी आपको वहाँ पर प्रोवाइड हो जाएगी केवल 8400 में, फिंगरप्रिंट सेंसर भी वहाँ पर आपको अवेलेबल है। और अगर आपको गेमिंग वगैरह से इतना मतलब नहीं तो माइक्रोमैक्स इन 1 भी आपके लिए बेस्ट होगा, इसमें 4+64GB वाली जो वेरियंट है वो देखने को मिलेगा आपको पूरे 8000 रुपये का। तो ये मेरे लिए बेस्ट चॉइस है, अगर आप गेमिंग को साइड में रख सकते हैं, नॉर्मल गेमिंग करते हैं देन आप इसकी तरफ आराम से जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है यहाँ पर ब्रिज के टेक्निकल जी ने, पूछने कि टेलीग्राम वर्सेस व्हाट्सअप, तो यार व्हाट्सअप पर ही हमारे मोस्टली लोग कनेक्टेड हैं तो यहाँ पर तो मैं व्हाट्सअप ही चूज़ करूँगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है विकास मुरादाबादी जी ने, पूछते हैं कि सर जी वाच टाइम कंप्लीट करने के तरीके बताओ मस्त वाले। तो भाई वाच टाइम कंप्लीट करने का तरीका ये है कि पहली बात तो आप ट्रेंडिंग टॉपिक को चूज करो, ट्रेंडिंग टॉपिक पर वीडियो डालो। जैसे कि अभी बाबा का ढाबा वाला स्कैम जो काफ़ी चल रहा है, अगर इनमें से आपकी कोई एक वीडियो भी चल जाती है देन आपका वाच टाइम कंप्लीट हो जाएगा बहुत ही आराम से। ये तो थोड़ा ऐसा तरीका था कि यहाँ से आपको सब्सक्राइबर जो आएंगे वो आपकी कैटेगरी के नहीं आएंगे, फालतू इधर उधर के आएंगे, बस यहाँ से वाच टाइम कंप्लीट कर सकते हो बट रेगुलर व्यूवर नहीं बढ़ा सकते। अगर आपको रेगुलर व्यूवर भी बढ़ाने तो थोड़ा सा टाइम लगेगा और आपको वीडियोज़ अपनी ही कैटेगरी में लंबी बनानी पड़ेंगी और ज़्यादा वीडियोज़ पोस्ट करनी पड़ेगी। मान लीजिए अगर आपका व्लॉगिंग चैनल है तो आपको लगभग 10 मिनट के व्लॉग मिनिमम अपलोड करने पड़ेंगे। उसके बाद आपको कुछ ऐसे टॉपिक्स चूज़ करने पड़ेंगे, ऐसी जगह चूज़ करनी पड़ेंगी जहाँ पर कंपटीशन कम है, यानी कि उसकी जो वीडियोज़ हैं वो यूट्यूब पर कम हैं और लोग जो हैं ढूंढने वाले वो ज़्यादा हैं, और ज़्यादा भी नहीं है, नॉर्मल लोग हैं ढूंढने वाले, तब भी आपका काम चल जाएगा और आपको काफ़ी अच्छा जो वॉच टाइम है वीडियोज़ प्रोवाइड कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है यहाँ पर यदुनाथ जी ने, पूछते हैं कि स्मार्टफोन को अपडेट करने के एडवांटेज और डिसएडवांटेज बताओ एमके जी। तो भाई एडवांटेज तो काफ़ी हैं बट डिसएडवांटेज मुझे नहीं लगते। हाँ, डिसएडवांटेज तो अपडेट्स का कोई होता नहीं है, आप साइड इफेक्ट बोल सकते हो, जैसे कि नॉर्मली कोई ऐप सपोर्ट नहीं करती, जब नई नई कोई सॉफ्टवेयर अपडेट आती है तो आपके थोड़े से बग्स जो होते हैं वो भी उसके अंदर शामिल होते हैं, फिक्स नहीं हो पाते हैं, तो वो साइड इफेक्ट होंगे, डिसएडवांटेज नहीं होंगे। एडवांटेज काफ़ी है कि आपकी जो फ़ोन है वो अप टू डेट हो जाता है, लेटेस्ट वर्जन आपको मिल जाता है और फ़ोन आपका पहले से थोड़ा सा फास्ट हो जाता है, यानी कि आपको थोड़ा सा फास्ट फील होता है, और बहुत सारे एडवांटेज हैं, आपकी बैटरी वगैरह इंप्रूव हो जाती है, बैटरी की परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी हो जाती है, एनिमेशन चेंज हो जाते हैं और आपको फ़ोन बिल्कुल एक नए लुक में दिखता है। तो एडवांटेज ज़्यादा हैं, डिसएडवांटेज नहीं है बिल्कुल भी, साइड इफेक्ट्स थोड़े बहुत होते ही हैं हर किसी चीज़ के। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है चौहान मेरू सिंह जी ने, पूछने कि ब्रो रियलमी X7 और X7 प्रो की प्राइस अंडर 25 होगी क्या। तो मेरे ख्याल से अंडर 25 के आपको मिल जाएंगे, ये 24,999 में इनका जो लास्ट वाला वेरियंट है वो आपको मिल सकता है रियलमी X7 का, बट X7 प्रो मुझे लगता है कि 30,000 तक जाएगा जो कि मेरी एक्सपेक्टेशन है, बाकी देखते हैं कि क्या होता है। अगर हाँ 25 से नीचे आ जाते हैं देन ये किलर साबित हो सकते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से पूछा है यदुनाथ जी ने, पूछते हैं कि एमके जी मेरे सवाल जरूर लीजिएगा, क्वेश्चन है कि प्रोसेसर के कोर्स की नंबरिंग कैसे होती है, जैसे आर्म कॉर्टेक्स A55 बढ़िया होना चाहिए कॉर्टेक्स A53 से और कॉर्टेक्स A75 बढ़िया होना चाहिए कॉर्टेक्स A73 से। तो हाँ ये है, ऐसा है, नॉर्मली आपका जो A53 है वो A55 से बेकार है, A55 उससे ऊपर वेरिएंट में आता है और इसके ऊपर अभी फिलहाल कोई भी एफिशिएंसी कोर्स नहीं है। जो A70 वाली सीरीज़ है वो इनकी आती है परफॉर्मेंस कोर में, 73, 75, 76, 77, 78 तक इनकी सीरीज़ ख़त्म हो चुकी है, इन्होंने 79 को लॉन्च नहीं किया है और अब इन्होंने नई सीरीज़ शुरू कर दी है X1। ऐसा क्या है कि पहले ये सिर्फ 5 वाले सीरीज़ पर थे, 5-3, 5-5 और 5-7 भी आई थी इनकी कॉर्टेक्स की 57, जो कि उस समय के हिसाब से परफॉर्मेंस कोर्स थी, एफिशिएंसी के लिए उसको यूज़ नहीं करते थे, काफ़ी अच्छी कोर थी, हाई एंड कोर थी, बट उसके बाद उसको चेंज करके पूरा 70 वाले सीरीज़ में ले आए, 73 रख दिया गया, तो अब 70 वाले सीरीज़ भी ख़त्म हो गई है और अब X1 वाली सीरीज़ शुरू हो गई है। तो ये इनके ऊपर डिपेंड करता है कि हमें कौन सी सीरीज़ चलानी है, बट हाँ ये कन्फर्म है कि जो आपका ऊपर का नंबर है वो बेटर है नीचे वाले नंबर से, जैसे कि 55-53 से काफ़ी अच्छा है और 78-73 से कई गुना अच्छा है। और यहाँ पर क्वालकॉम खुद कहता है कि जब अपनी कोर्स को अपग्रेड करते हैं तो हमारी जो परफॉर्मेंस है वो 25% बेटर हो जाती है। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है यहाँ पर द MSNH ने, पूछते कि सर आज क्वेश्चन थोड़ा लेट है बिकॉज आज पूरा दिन बिजी था, माय क्वेश्चन इज विच वन यू प्रीफर ब्रांड स्पेसिफिकेशन। तो मेरे ख्याल से यार देखो ब्रांड और स्पेसिफिकेशन में जाहिर सी बात है कि ब्रांड इतना मायने नहीं रखता मेरे लिए जितना स्पेसिफिकेशन रखता है, क्योंकि मुझे दुनिया को दिखाना नहीं है, ये नहीं दिखाना कि मेरे पास एप्पल का फ़ोन है, सैमसंग का फ़ोन है। मैं यहाँ पर अगर मुझे अच्छे स्पेक्स मिलते हैं माइक्रोमैक्स में तो मैं माइक्रोमैक्स से भी खुश हो जाऊँगा, और मुझे बस एक्सपीरियंस अच्छा मिलना चाहिए, ब्रांड से मुझे इतना फ़र्क नहीं पड़ता। फ़ोन के अंदर दम होना चाहिए, प्रोडक्ट में दम होना चाहिए, चाहे किसी भी कंपनी का हो और चाहे कोई सा भी प्रोडक्ट हो, जरूरी नहीं कि वो स्मार्टफोन ही हो। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर गूगल पिक्सल 4a वर्सेज IQ3 विच इज़ बेस्ट। तो दोनों फोन्स अपने अपने क्षेत्र में बढ़िया हैं, एक लाइट फेट आपको फ़ोन चाहिए, नॉर्मल फ़ोन चाहिए जो कि जिसकी डिस्प्ले बहुत छोटी हो और आपको ज़्यादा बड़े फ़ोन पसंद नहीं है, देन पिक्सल 4a उन लोगों के लिए है, बेसिकली पिक्सल 4a सब लोगों के लिए नहीं, क्योंकि बहुत लोगों ने इसको खरीद करके बेचा भी बहुत जल्दी से है, क्योंकि वो इसके
यूज़ थ्रू नहीं हो पाए, उन्हें यूज़ थ्रू होने में टाइम लगता। कम से कम आप कोई भी जब फ़ोन लेते हैं, नॉर्मली आप इतनी बड़ी स्क्रीन के फ़ोन यूज़ कर रहे हैं, कोई छोटा फ़ोन लेंगे तो आपको उसकी टाइपिंग में भी कभी कभी अजीब लगता है। मैं कभी कभी कोई छोटा फ़ोन है मेरे पास पड़ा हुआ सैमसंग का J26, अगर मैं उसमें कभी टाइपिंग करता हूँ तो मुझे थोड़ा सा अजीब लगता है कि स्क्रीन काफ़ी छोटी फील होती है। बट यहाँ पर मुझे अब नॉर्मली कोई दिक्कत होती नहीं है, क्योंकि धीरे धीरे टाइम लगता है और उसमें आप उसके यूज़ थ्रू हो जाते हैं। और IQ3 जो फ़ोन है वो स्पेशली गेमिंग के लिए फ़ोन है, तो अगर आपको गेमिंग के लिए फ़ोन चाहिए तो IQ3 बेस्ट है, और आपको कैमरा के लिए फ़ोन चाहिए और एक कॉम्पैक्ट फ़ोन चाहिए, हल्का फ़ोन चाहिए, देन Google Pixel 4a आपके लिए बेस्ट है। उम्मीद है कि आपका जो डाउट है वो क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा यहाँ पर साई निखिलेजी ने पूछने की अपकमिंग माइक्रोमैक्स 5G फ़ोन। तो माइक्रोमैक्स का अपकमिंग 5G फ़ोन के ऊपर फिलहाल मैंने वीडियो बना दी है, अगर आपने नहीं देखी फिर भी बता देता हूँ। यहाँ पर जो डायमेंसिटी के फ़ोन सीरीज़ है, डायमेंसिटी के प्रोसेसर है मीडियाटेक के, वहाँ पर पार्टनरशिप हुई है माइक्रोमैक्स की डायमेंसिटी की यानी कि मीडियाटेक की। तो वहाँ पर उनसे अभी उम्मीद जताई जा रही है कि अंडर 25 के आपको डायमेंसिटी 800 पर या डायमेंसिटी 1000 पर एक मोबाइल देखने के लिए मिल सकता है यहाँ पर माइक्रोमैक्स की तरफ से। और जाहिर सी बात है कि डायमेंसिटी की जो सीरीज़ है वो सब 5G सपोर्ट है, तो ये फ़ोन आपको 5G देखने के लिए मिल सकता है अंडर 25 के, और ये बहुत जल्द आपको देखने के लिए मिलने वाला है क्योंकि इस पर काम शुरू कर दिया है माइक्रोमैक्स ने। ये सारे क्वेश्चन थे आज के, उम्मीद है कि आपको ये सारे क्वेश्चंस के अपने जवाब मिल गए होंगे। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ऐसी वीडियोस पाने के लिए। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।